दिन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिव्यूज एंड टेक में। दोस्तों, अभी लॉन्च हो चुकी है एक बहुत ही फेवरेट हमारी बाइक 150-160 कैटेगरी में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टीवीएस अपाचे 160 2V की। देखिए, इसमें दो मॉडल आते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, 2V और 4V। ज्यादातर जो बिक्री है, ज्यादातर जो सेल फिगर है, ज्यादातर जो पसंद करते हैं लोग, वो 2V वाली बाइक है। तो उसको भी टीवीएस ने BS6 में लॉन्च कर दिया है और ये अब आपको 10-15 दिन के अंदर ही मिलनी शुरू भी हो जाएगी। तो क्या क्या इस बाइक में नया दिया है, क्या क्या चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, वो सब बातें मैं इस वीडियो में आपसे करूंगा। तो सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। अब मैं बात करता हूं इस बाइक की। देखिये, सबसे जो हैरत अंगेज जो चीज इसमें हुई है, आपने देखा होगा जब से BS6 कंप्लाइंट इंजन आ रहे हैं जिस भी व्हीकल में, उसमें क्या किया जा रहा है, उसकी पावर को कम किया जा रहा है। लेकिन टीवीएस अपाचे RTR 160 2V में पावर को बढ़ा दिया गया है। अब इसमें आपको 15.3 BHP की पावर मिलेगी और 13.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। ये जो पावर है, ये 0.30 BHP बढ़ गई है और टॉर्क जो है वो 0.90 बढ़ गया है। तो ओवरऑल आपको पावर अब ज्यादा मिलेगी। साथ ही साथ जो चेंज है इसमें, वो अब इसमें कार्बोरेटर बिल्कुल हट गया है। अब इसमें फ्यूल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर दिया है कंपनी ने। सभी व्हीकल में फ्यूल इंजेक्शन आ रहा है, तो इसमें भी फ्यूल इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तीसरी जो चीज है इसमें, जो लुक्स के हिसाब से मैं आपको बताऊं, लुक्स में कोई भी चेंज नहीं किए गए हैं। लुक्स बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही मिलेगा जैसा आपको BS4 बाइक में मिल रहा था, लेकिन ग्राफिक्स नए हैं और पहले के मुकाबले मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगे हैं। ग्राफिक्स में नहीं दिए हैं, लेकिन लुक्स ओवरऑल वही है, कोई वैसे फिजिकल चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद जो इसमें जो एक नई चीज आपको मिलेगी, वो ये है कि अब इस बाइक के अंदर आपको जो माइलेज है वो पहले से ज्यादा मिलेगा। अब आपको इसमें करीबन 10-12% का ज्यादा माइलेज मिलेगा। और मैंने क्योंकि ये बाइक रखी है, मेरे पास ये बाइक रही है, मुझे काफी पसंद थी ये बाइक, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन मैंने इसको अच्छे से चलाया है, काफी समय तक रखा है अपने पास। तो मुझे जब मेरे पास 160 BS4 मॉडल जो था मेरे पास, तो मैंने उससे जो माइलेज जो मुझे मिलता था वो लगभग 40-46 तक मिलता था, 40 से लेकर 46 तक मिलता था। और अब इसमें अगर आप 10% और जोड़ दें तो मेरा मानना है कि आपको आराम से 45-50 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज आराम से अब इस बाइक से मिल जाएगा। रिफाइनमेंट अब इसमें पहले से ज्यादा आपको मिलेगी, वाइब्रेशन भी कम मिलेगी, कितनी कम मिलेगी ये मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि मैंने अभी टेस्ट राइड नहीं किया इस बाइक को। इसके अलावा जो टॉप स्पीड है, क्योंकि देखिए इस बाइक को जब लेता है कोई इंसान तो उसको एक दिमाग में ये बात जरूर रहती है कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी, है ना। तो टॉप स्पीड की, क्योंकि मैंने जब ये बाइक रखी हुई है तो मुझे पता है, तो इस बाइक की मैंने टॉप स्पीड जो है वो अचीव की है लगभग 125 किलोमीटर पर आवर की। तो अभी भी आप लगभग वही स्पीड आराम से इस बाइक से अचीव कर सकते हैं, हो सकता है इसमें 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा अचीव कर पाए, लेकिन ये मैंने टॉप स्पीड इस बाइक से अचीव की थी। इसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो इस बाइक की प्राइस है वो अब आपको मैं ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ। दो वेरियंट में ये बाइक अवेलेबल होगी, एक सिंगल डिस्क सिंगल चैनल ABS के साथ और एक ड्यूल डिस्क सिंगल चैनल ABS के साथ। ABS में एक ही व्हील में आएगा, फ्रंट व्हील में, ड्यूल चैनल ABS इसमें नहीं आएगा अभी भी। और जो प्राइस है वो लगभग आपको जो ऑन रोड प्राइस है, क्योंकि हर एक स्टेट में अलग अलग प्राइस होते हैं, तो मैं बता देता हूँ जो सिंगल डिस्क के साथ में आपको प्राइस पड़ेगा ऑन रोड लगभग 1,07,000 रुपए के आसपास का पड़ेगा, और जो ड्यूल डिस्क के साथ में आपको जो प्राइस पड़ेगा वो लगभग 1,10,000-1,11,000 के आसपास पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है प्राइस। तो और इसके साथ साथ एग्जॉस्ट की मैं आपको बता दूं, तो जो इसका एग्जॉस्ट है वो पहले से ज्यादा बेस उसमें बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है। जो लोग पसंद करते हैं अपाचे 2V को, तो वो बिल्कुल इसको बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अब आप अपने आसपास जो भी आपका टीवीएस का शोरूम आ जाके पता कर सकते हैं, और मैक्सिमम 15 दिन में आपको ये बाइक मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो इस बाइक से रिलेटेड तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने आसपास सफाई रखें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, टेक केयर।